नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विरासत में। आज हम एचपीएल पावर के बारे में बात करेंगे। एचपीएल पावर जो है गुरुवार के दिन ना 5% तक का डाउन साइड देखने को मिला है, और ये जो करेक्शन हो रही है ना ये शॉर्ट टर्म के लिए। कई लोग सोच रहे हैं इसमें कोई खराब न्यूज़ तो नहीं आ गया, किस लिए ये 600 से लेकर 450 के आसपास आ गया मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आप लॉन्ग टर्म फ्रेम पर देखते हो ना शेयर्स को, तो इसमें अभी एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है। और देख लीजिए आप, यहाँ से एक मूवमेंट दिया है, ये जो भाव है 280 का लेवल है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट लिया और करंट सीधा सीधा एक अच्छा सा मूवमेंट अपसाइड कर दिया है। और ये मूवमेंट है ना कंटिन्यू यहाँ तक दिया गया है। एक पहला जो रथ था यहाँ पे तो 438 तक आया, फिर बाद में दोबारा यहाँ से थोड़ा साइडवेज होकर फिर बाद में एक 600 तक का लेवल दिया। तो इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद में ना तो थोड़ा सा करेक्शन इसमें हो रहा है, और ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए है। और हमारा जो सपोर्ट लेवल है ना वो 438 का है। जी हाँ दोस्तों, ये 438 का लेवल है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इससे भी पहले ना रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। और जो रिवर्सल होगा ना वो ये 450 का थी। हाँ दोस्तों, मार्केट अभी 466 पे ट्रेड कर रहा है, अभी 450 से लेकर 438 तक का लेवल है हमारा सपोर्ट लेवल। इस लेवल से ही ना रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्यों बता रहा हूँ मैं सब, क्योंकि आप देख लीजिए ना, एक करेक्शन हुआ है यहाँ तक का हुआ है, और अब ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी मार्केट ना काफ़ी टाइम तक ना समय दिया है, और यहाँ से एक रेंज बाउंड हुआ उसके बाद में ब्रेकआउट लिया था। तो एक तरह से नहीं, यहाँ पे आकर ना तो साइडवेज जरूर लेगा, उसके बाद में ब्रेकआउट मिलेगा। और गुरुवार के दिन की बात किया जाए ना तो जब मार्केट क्लोज हो रहा था 2628 शेष ना 22 तरफ प्लेस हुए हैं, तो थोड़ा सा ये कल जब मार्केट ओपन होगा ना मंडे के दिन ना, तो थोड़ा सा ना इसमें पॉजिटिव ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ में। तो एक तरह से अच्छा साइन है। दूसरा जो एनएससी का टोटल वॉल्यूम की बात किया जाए ना तो वो है 17,55,000 का शेयर्स का है, उसमें से ना 9,70,000 का डिलीवरी बेसिस हुई है, मतलब 55% का डिलीवरी बेसिस से हुआ है। डिलीवरी बेसिस स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल भी कंपनी अच्छी है, और जो करेक्शन हो रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है, और टेक्निकली जो है शॉर्ट टर्म के लिए वीकनेस आई है। तो एक तरह से मूवमेंट जो है ना ये 438 तक का डाउन साइड का रह सकता है, और टारगेट हमको फिर जब रिवर्सल का देखने को मिलेगा ना तो फिर सीधा सीधा हमको ना 520 तक का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 560 तक का देखने को मिलेगा। चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बाय। कोई रिकमेंडेशन नहीं है।